नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज पर। मैं हूं शाहिन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को अपनी बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की। अपने शुभकामना संदेश में उन्होंने कहा कि आप सभी को मेरा नमस्कार। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में विश्व के सबसे बड़े राजनैतिक दल भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस है। इस मौके पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। भाजपा के संस्थापक अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माता अटल जी की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। अब सारे देश में अंधेरा छटा है, सूरज निकला है, कमल खिला है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज पुनः विश्व गुरु बनने और अग्रसर है। आप सभी को मेरा नमस्कार। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस है। इस अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। भाजपा के संस्थापक अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माता अटल जी की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। अब सारे देश में अंधेरा छटा है, सूरज निकला है, कमल खिला है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। समूचे विश्व में आज भारत की पहचान एक सशक्त देश के रूप में हो रही है। राष्ट्र सेवा के संकल्प को समर्पित मां भारती को वैभव के शिखर पर फिर से आरूढ़ करने के यज्ञ में लगे सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़। रायपुर के गुड़ियारी इलाके में स्थित बिजली कंपनी के मुख्य गोडाउन में शुक्रवार दोपहर आग लगने से 4000 ट्रांसफार्मर, मीटर, कंडक्टर, वायर और ऑयल जलकर खाक हो गए। शुक्रवार रात को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौके पर पहुंचे और घटना से जुड़ी जानकारियां ली। शनिवार को कवर्धा रवाना होने के पहले मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आग पर काबू पाने में जिला प्रशासन, अमला और लोगों का बड़ा सहयोग मिला है। बड़ी संख्या में आसपास के लोगों को खाली कराए थे, अब उनका विस्थापन किया जा रहा है। रायपुर के CSPDCL ट्रांसफार्मर गोदाम में आग लगने के बाद चल रहे बचाव कार्यों का मैंने मुआयना किया है। मैंने संबंधित अफसरों से लोगों को हुई आर्थिक क्षति का आकलन कर पीड़ितों को हर संभव मदद के लिए कहा है। इस हादसे की जांच कराई जाएगी। सभी छत्तीसगढ़ वासियों को और छत्तीसगढ़ के सभी भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं को भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हाँ, मौके पर हम भी गए थे और आगजनी की घटना हुई है, लेकिन भगवान की दया है कि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, जनहानि नहीं हुई है और उसमें अधिकारियों ने कुछ होशियारी भी की। वहां पर 3 टैंकर थे, उसका ढक्कन समय पर खोल दिया, अन्यथा मतलब ब्लास्ट होता तो अगल बगल चिंगारी जाती और आग फैलने की संभावना थी। और तत्काल में फायर ब्रिगेड के लोग भी आए और आग पर काबू पा ली गई है, किसी तरह से जनहानि नहीं हुई है। अगल बगल ज्यादा गर्मी के कारण कुछ लोगों के छत के ऊपर जो पानी के टंकियों के थे वो पिघल गए हैं और इस पूरी घटना की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है और जांच रिपोर्ट आने पर पता चलेगा कि कैसे आग लगी और जिनको भी इस घटना से क्षति हुई है उसकी भरपाई करेंगे। कल हम फायर ब्रिगेड के कुछ लोगों को तो मिलकर धन्यवाद भी दिए और बिल्कुल करेंगे, ऐसे लोगों को सम्मानित तो करना ही चाहिए। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तंज कसते हुए कहा कि विगत चुनाव में कांग्रेस ने बहुत सारी बातें कही थी, उसका कांग्रेस किसी प्रकार का समाधान नहीं निकाल पाई। आजादी के बाद 60 वर्ष से भी ज्यादा इनकी सरकारें थी, इन्होंने किसी तरह का न्याय नहीं किया। छत्तीसगढ़ में विगत 5 वर्षों में अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, उसे जनता जानती है। ये न्याय नहीं, अन्याय पत्र है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का न्याय पत्र झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस के दशकों के शासनकाल में देश की सम्मानित जनता को गरीबी और बदहाली ही मिली है। वो लोग जो भारत की तस्वीर और तकदीर को बदलने की बात कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने आजादी के 70 वर्षों तक देश की तस्वीर और तकदीर के साथ धोखा किया है। देखिए, विगत चुनाव में बहुत सारी बातें थी और उसका भी निश्चित रूप से
किसी प्रकार का समाधान नहीं निकाल पाया है कांग्रेस ने। सबसे बड़ी बात तो है कि न्याय यात्रा, न्याय संकल्प पत्र, ये सारा चीजों को लेकर और देश को जिस तरीके से आजादी के बाद 60 वर्ष से भी ज्यादा समय में इनकी सरकारें थी, इन्होंने किसी प्रकार का न्याय नहीं दिया। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के विगत 5 वर्षों में और जिस तरीके से अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, उसको पूरी जनता जानती है निश्चित रूप से। इसलिए ये एक छलावा मात्र है और अन्याय पत्र है, न्याय नहीं। लेकिन इसमें इनको अपने उन वचनों को भी याद रखना चाहिए जिन वचनों को इन्होंने इसके पूर्व के विधानसभा चुनाव में और 36 वादे छत्तीसगढ़ की जनता को दिया था और जिसपे एक भी वादे को इन्होंने पूरा नहीं किया। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्वाचन के सुचारू संचालन के लिए निर्वाचन दल को दुर्ग के BIT कॉलेज के सभागार में 2 पालियों में प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल रहे। दुर्ग कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 के सुचारू संचालन के लिए जिले में EEM, FST, SST, VST, VVT, AEO अकाउंट टीम का गठन किया गया है, जहां गठित टीम दलों को डॉक्टर दिवाकर सिंह राठौर, संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन सहायक नोडल अधिकारी EEM द्वारा शनिवार को BIT कॉलेज के मैकेनिकल हॉल में 2 पालियों में प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी BK दुबे ने बताया कि प्रथम पाली में सुबह 11 से 1 बजे तक विधानसभा 62 पाटन, 63 दुर्ग ग्रामीण, 64 दुर्ग शहर एवं 65 भिलाई नगर के दलों को प्रशिक्षण दिया गया है। दूसरी पाली में 2 से शाम 4 बजे तक विधानसभा 66 वैशाली नगर, 67 अहिवारा, 68 साजा एवं 69 बेमेतरा के दलों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। संबंधित अधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज सभी FST, SST, VST टीमों का प्रशिक्षण हो रहा है एक्सपेंडिचर मॉनिटर के मॉनिटरिंग के संबंध में, कि प्रत्येक कैंडिडेट जो लोकसभा का निर्वाचन में कैंडिडेट के रूप में अपना नामांकन दाखिल करेगा उसको 95 लाख रुपए तक चुनाव के लिए, निर्वाचन के लिए व्यय करने का व्यय सीमा निर्धारित है। उसी सीमा के अंतर्गत वो अपना व्यय करे और उसको वो कम ना बताए, इसके लिए जो भी सभा, रैली या फिर रोड शो इत्यादि में जो होर्डिंग्स या बैनर पोस्टर में या किसी के कार्यकर्ताओं के खाने और जलपान इत्यादि में जो कुछ भी व्यय वो करेंगे, वो उसको 95 लाख से एक्चुअल व्यय सीमा से कम ना बता सकें, उसकी मॉनिटरिंग निर्वाचन के द्वारा, निर्वाचन कार्यालय के द्वारा की जाएगी, FST, SST और VST के द्वारा। तो उसी के संबंध में हमारे जो इसमें टीम लगी हुई है वो उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि वो उन्हें किस तरह से कार्रवाई की जानी। अभी ये 2 सत्र में आज हो रहा है, तो अभी प्रथम चरण में 3 विधानसभा के टीम के लोग शामिल हैं इसमें, लगभग 250 लोग इसमें अभी होंगे। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ।
एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी, अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949, 9893999132। नालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर वन हैवी ड्यूटी रेंज सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। We'll be right back.
ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के प्रदेश संगठन प्रभारी नितिन नवीन ने अपने कोरबा दौरे के दौरान कांग्रेस के न्याय पत्र पर कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने नेताओं के साथ न्याय नहीं किया, कार्यकर्ताओं के साथ न्याय नहीं किया। छत्तीसगढ़ में 36 वादे करके 5 साल तक सरकार ने केवल छलने का काम किया है, अब उनके न्याय पर जनता को विश्वास नहीं है। नितिन नवीन के इस बयान के बाद मीडिया ने उनसे पूछ लिया कि अगर ऐसा है तो छत्तीसगढ़ के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रही रेणुका सिंह के साथ बीजेपी ने कितना न्याय किया। इस पर नितिन नवीन ने कहा कि रेणुका सिंह को पार्टी ने पूरा मौका दिया है, पार्टी में जब भी जिसकी भूमिका आपको दायित्व दिया गया है आपको न्याय करना होता है। कांग्रेस ने अपने नेताओं के साथ तो न्याय किया नहीं, कार्यकर्ताओं के साथ तो न्याय किया नहीं। छत्तीसगढ़ से 36 वादे करके 5 साल तक सरकार ने केवल छलने का काम किया, अब उनके न्याय पर जनता को विश्वास नहीं है। जो अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं का साथ न्याय नहीं किया वो जनता के साथ करना। किसने कहा, आपने कहा क्या सीएम? बीजेपी के लोग जो बीजेपी सोशल मीडिया में चला दिए सर। आपके कौन लोग हैं? हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि उसका नेता मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने, वो अलग चीज है। बीजेपी ने कहा, ऐसा कहाँ कहा? और एक तरह किसी भी चीजों का जब बयान पूछते हैं तो उस चीज की ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। रेणुका सिंह जी को पूरा मौका मिला है मंत्री के रूप में भी और पार्टी के जिस भी दायित्व में, मैं पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री था 7 साल, फिर पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा बनाया, मैंने उसमें भी काम किया। तो पार्टी में कब जिस भी भूमिका में आपको दिया जाए आपको उसके साथ न्याय करना होता है। और आगे किसके लिए क्या, विष्णुदेव साय जी प्रदेश अध्यक्ष रहे, फिर एक विधायक और एक कार्यकर्ता के रूप में काम भी किया 1.5 साल तक, फिर राज्य के मुख्यमंत्री भी बने। निश्चित रूप से पूरी तरह से हम जीतेंगे और हमारे 11 की 11 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में कमल के रूप में। आपने ऐसे कर्म किए हैं इसलिए आपका अकाउंट सीज हुआ है, आपने कोई गलत नहीं किया होता तो आपका अकाउंट सीज नहीं होता। अकाउंट किसका सीज होता है? एक बात और आ रहा है कि 25 नेताओं के नाम दिए जो दागी थे, जिनके ऊपर सीबीआई ईडी की कार्रवाई चल रही है, वो भाजपा प्रवेश कर रहे हैं, उनको भाजपा ले रही है। जब लेगी तब आप उस पर सवाल कीजिएगा। कई लोग तो आ गए ना सर, कोई ऐसे नहीं आए जिन पर ईडी या सीबीआई का जांच है। और जो लोग हैं जो खुद चार्जशीटेड है वो दूसरे के बारे में न बोले, और चरण दास महंत हो या भूपेश बघेल हो जो खुद महादेव और बाकी सट्टों में खेलते हुए नजर आए हैं, वो पहले अपने सवालों को रखें। दुर्ग पुलिस ने आगामी लोकसभा चुनाव और आदर्श आचार संहिता का पालन कराने शहर में फ्लैग मार्च का दर्शाई अपनी उपस्थिति। इस दौरान दुर्ग पुलिस के आला अधिकारी सहित सभी थानों के प्रभारी और आरक्षक शामिल रहे। छत्तीसगढ़ में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए लगे आदर्श आचार संहिता के पालन कराए जाने को लेकर दुर्ग पुलिस ने शुक्रवार की शाम शहर में फ्लैग मार्च कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान दुर्ग पुलिस के आला अधिकारी सहित सभी थाना प्रभारी आरक्षक बड़ी संख्या में शामिल रहे। मार्केट एरिया सहित विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस बल का गश्त लगाया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में यहां पर नजर आए। पुलिस वालों को देखकर शहरवासी थोड़ी देर के लिए थम गए। इस अवसर पर दुर्ग जिला प्रशासन और निर्वाचन अधिकारी, दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी, संभाग आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य लोग शामिल रहे। रेंज के आईजी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मार्केट एरिया में हम फ्लैग मार्च किया जा रहा है, जिसमें के जिला पुलिस बल, सीएएफ, बीएसएफ के अधिकारी कर्मचारी तथा हमारे वरिष्ठ अधिकारी कमिश्नर साहब, हम कलेक्टर मैडम, एसपी साहब और एडिशनल एसपी साहब, सीएसपी साहब, हम लोग और एसडीएम साहब लोग सभी उपस्थित हैं, एडिशनल डीएम साहब लोग। तो इसका उद्देश्य ये है कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए शांतिपूर्वक चुनाव जो कराना उद्देश्य है, तो फोर्स की विजिबिलिटी होना ताकि जो आम जनता है उनके मन में एक सुरक्षा का माहौल उनके मन में आए, तो सुरक्षित माहौल है यहाँ पर, और जो भी क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनके मन में डर व्यापक हो ताकि वो अपनी एक्टिविटीज पर काबू करें। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कांग्रेस इस वक्त बहुत ही विपरीत हालातों से गुजर रही है, पार्टी में भगदड़ की स्थिति है। आए दिन कांग्रेस के 2-4 नेता पाला बदलकर भाजपा में शामिल भी हो रहे हैं। कभी पूर्व मुख्यमंत्री के बेहद करीबी रहे नेता पाला बदलते ही भूपेश बघेल के खिलाफ तीखे हमले कर रहे हैं। पार्टी के पूर्व प्रभारी महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला ने आज भाजपा प्रवेश किया। भाजपा में शामिल होने से पहले ही उन्होंने भूपेश बघेल को गोबर चोर कहकर संबोधित कर दिया। किसान मोर्चा के अध्यक्ष व संगठन में प्रभारी मंत्री रहे चंद्रशेखर शुक्ला ने आज कवर्धा में भाजपा ज्वाइन किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा के मंच से अपना संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता ने
तो चारा खाया था, लेकिन यहाँ के नेता ने गोबर खाया है। भूपेश बघेल गोबर चोर है। ऐसे गोबर चोर के साथ उन्हें रहने में काफी दिक्कतें थी, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। और इंडिया गठबंधन के नेता मन तो चारा खाते, हमारे यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गोबर खाए, गोबर चोट्टा सुने हो आप, कहीं भी अब गोबर पिसरिया नहीं दिखाते, जब तक गोबर पिसरिया नहीं तब फर्जी रही, इतना गोबर चोट्टा मन संसार काम करे में मुला असुविधा होत रही, और यही असुविधा में मैं यहाँ माननीय पवन साय जी, नितिन जवैन जी, अभिषेक सिंह जी, डॉक्टर रमन सिंह जी, विजय पाल शर्मा जी, संतोष झा के नेतृत्व में आज भाजपा ज्वाइन कर रहा हूँ। निश्चित तौर पर आप उनके नए आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। श्री राम कथा समिति द्वारा हुडको दशहरा मैदान में 7 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। श्री राम ज्ञानीदास जी महाराज ने अपने मुखारबिंद से राम कथा का सुंदर वर्णन किया। उनके मुखारबिंद से निकल रहे भक्ति रस को सुनने के लिए भक्तजन उत्सुक दिखाई पड़े। दशहरा मैदान में चल रही राम कथा के दूसरे दिन श्रद्धालुओं की अपार भीड़ नजर आई। राम कथा सुनने के लिए श्रद्धालुओं का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। कथा सुनने के लिए भारी संख्या में महिला श्रद्धालुओं की उपस्थिति दर्ज की गई। बोलता हूं, आप कथा में बैठे ये जरूरी है, आप कथा में बैठे ये जरूरी है, लेकिन मेरा निवेदन कथा भी आपके अंदर बैठनी चाहिए, तब कथा का सार्थकता होगा। महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज सत्संग का ये दूसरा दिवस, इसमें उपस्थित हमारे परम श्रद्धेय आचार्य श्री मुंती जी, परोक्ष हुडको में जो प्रथम बार जो श्री राम कथा सेवा समिति का निर्माण हम 9 साथियों के द्वारा किया गया, और इसका जो है धर्म के प्रति जागरूकता लाना, हिंदू धर्म के प्रति, और सभी लोगों के मन में रहता है हिंदुओं के जो भी पूजा पाठ श्री राम जी का, लेकिन हुडको में 40 वर्षों में कभी भी श्री राम कथा नहीं हो पाया आयोजन, और हम लोगों ने सोचा कि इसका आयोजन करते हैं, और ईश्वर की दया से हमें रास्ता मिलते चले गया, और हमारे हुडको के सभी वासियों ने बहुत सहयोग प्रदान किया। ये कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी राजनीतिक मंच नहीं है, इसमें सभी वर्ग के लोग यहाँ पर शामिल हैं, और हिंदू मुस्लिम सभी भाई लोग हमारे साथ दिए हैं, और बहुत ही सुंदर आयोजन हो रहा है। और कथावाचक कौन है? कथावाचक हमारे महाराष्ट्र के श्री राम ज्ञानीदास महाराज जी हैं, जो अयोध्या के रामलला के उद्घाटन समारोह में भी ये पहुँचे हुए थे प्रथम पंक्ति में, वहाँ के संत हैं, और हमारा सौभाग्य ऐसे पहुँचे हुए संत का हमारे हुडको वासियों को सुनने का अवसर मिल रहा है, और उनका आशीर्वाद। जैसा कि पहला वर्ष है, हुडको वासी क्या कैसा प्रतिक्रिया उनकी? सभी इतने बेहद प्रसन्न है। मैं संस्था का प्रवक्ता हूँ, इस माध्यम से मैं बोलूँगा तो अतिशयोक्ति होगी, लेकिन जिन भाई बहने और हमारी भाभी लोग माता लोग आए, और 40 वर्षों का सबसे बड़ा रिकॉर्ड कलश यात्रा में, आप भी कवरेज किए थे मैडम, कलश यात्रा जो है ऐतिहासिक रहा, लगभग 800 से 1000 लोगों की उपस्थिति हमारी बहनों की, हमारी भाभियों की रही, जिससे हुडको में एक अलग एक उत्साहवर्धक माहौल बन चुका है। आज ये भीड़, सैकड़ों लोगों की भीड़ राम कथा में बैठी है। कल विजय बघेल जी आए थे, उन्होंने भी कहा बहुत ही सुंदर सुसज्जित और बहुत ही बढ़िया कथा यहाँ पर चल रही है, आप सभी लोग बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। आपका परिचय? मैं वीएस राव हुडको का निवासी हूं, और मैं इस समिति का प्रवक्ता हूं। आप सब और एक खास बात क्या है, यहाँ हमारे जो हम लोग सारे उसके मेंबर्स हैं, ये सेक्रेटरी है, ये जनरल सेक्रेटरी है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पे, और भव्य रामनवमी जो हमारा भव्य होता है, बहुत जबरदस्त होता है कि नहीं? और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे।
प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण, उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन, उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी, अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम, उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता, उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज, नियर ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं नर्सरी से कक्षा 8वीं तक। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निशुल्क प्रवेश स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए। इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है, पुस्तकालय सुविधाएं हैं, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहां मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सुकमा पुलिस के सामने 8-8 लाख रुपए के इनामी दो नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। दो इनामी नक्सलियों के आत्मसमर्पण करने पर SP सुकमा किरण चौहान ने कहा कि दो कट्टर नक्सली कमलू प्रकाश और मरकाम रीता ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। कमलू प्रकाश का आत्मसमर्पण नक्सलियों के लिए एक बड़ा झटका है
वह AK-47 रखता था और चलाता था। मरकाम रीता के पति नागेश ने भी कुछ दिन पहले सरेंडर किया था। SP ने यह भी कहा कि मैं सभी नक्सलियों से पुलिस के सामने सरेंडर करने की अपील करता हूँ। CRPF सुकमा जिले में नक्सल निर्मूलन का जो काम कर रही है उसे प्रभावित होकर दो हार्डकोर नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। कमलू प्रकाश ये संगठन में DVCM के पद पे था, व्यापक जन संगठन, छात्र संगठन अध्यक्ष, इसके अलावा किसाराम एरिया का कमांडिंग चीफ रहा है, विभिन्न घटनाओं में शामिल रहा है। नक्सलियों की जो खोखली विचारधारा है उसे परेशान होकर कमलू प्रकाश ने आज हथियार रख दिए और मेरे सामने आके आत्मसमर्पण किया है। ये संगठन में AK-47 हथियार धारित करता था और इसके आत्मसमर्पण की वजह से संगठन को बड़ा नुकसान हुआ है। मड़कम रीता ये मंगलगुड़ा की निवासी है, थाना किस्टाराम। ये बटालियन 1 PLG बटालियन नंबर 1 में काम करती थी एज ए सेक्शन 1 कमांडर। उसका जो पद था PPCM था, शासन द्वारा इस पे 8 लाख का इनाम रखा गया था। बटालियन की जो कार्यनीति है और नक्सली विचारधारा है उससे परेशान होकर रीता ने आत्मसमर्पण किया है। कुछ ही दिन पहले रीता के जो पति थे नागेश, जो बटालियन का एक कंपनी का कमांडर था, उसने सरेंडर किया था। जो पुलिस और CRPF के ऑपरेशंस है, विकासात्मक जो काम है, उसकी वजह से जो इस इलाके में नक्सल संगठन पर दबाव बढ़ा है उसे प्रोत्साहित होकर इन दोनों ने समर्पण किया है। इसी के माध्यम से मैं सभी नक्सलियों से ये अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द संगठन को छोड़ के आत्मसमर्पण करें। छत्तीसगढ़ प्रदेश महेश्वरी सभा के बैनर तले आगामी जून माह में महेश्वरी विवाह योग्य युवती युवक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर समाज के पदाधिकारियों ने मीडिया से चर्चा की। दुर्ग में आगामी 1 और 2 जून को छत्तीसगढ़ प्रदेश महेश्वरी सभा के बैनर तले और श्री महेश्वरी पंचायत दुर्ग के आतिथ्य में जीवन साथी चयन 2024 का आयोजन कराया जाएगा, जिसमें महेश्वरी समाज के विवाह योग्य युवक और युवतियों का परिचय सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें ऑनलाइन पंजीयन के माध्यम से पूरे भारतवर्ष से प्रत्याशी शामिल होंगे। पंजीकृत जिसकी 5 अप्रैल रखी गई है अंतिम तिथि, जिसमें अब तक छत्तीसगढ़ के अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, गुजरात और आदि प्रदेश से पंजीयन करवाए जा रहे हैं। संगठन मंत्री है और मनोज जी राठी, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है और ये कोषाध्यक्ष है। रामदेव डावरी हमारे सदस्य है, अध्यक्ष है। उसके बाद विठल दूतरा ये पूर्व अध्यक्ष रह चुके। इस मौके पर समाज के पदाधिकारी सुरेश कुंडरा, अशोक राठी, गजेंद्र चांडक ने बताया, कार्यक्रम का उद्देश्य विवाह संबंधों में आ रही जटिलताओं के कारण है। उस माह में जीवन साथी चयन कार्यक्रम को लेकर लगातार प्रयासरत थे। कार्यक्रम का उद्देश्य संगठन के माध्यम से सामाजिक व पारिवारिक वातावरण में समाज के युवक युवतियों का परिचय करवाकर उन्हें जीवन साथी चयन करने का अवसर प्रदान करना है। किसी भी परिवार में विवाह योग्य युवक या युवती होने पर उसके विवाह संबंध को जोड़ना परिवार के साथ साथ समाज की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। विवाह संबंध तय करने में एक कड़ी का काम ये जीवन साथी चयन कार्यक्रम करेगा। साथ ही एक विशेष परिचय सत्र का आयोजन भी कराया जाएगा, जिसमें समाज में ऐसे भी अनेक प्रत्याशी हैं जो कि एक विशेष श्रेणी में आते हैं, जैसे कि विधवा, विधुर, तलाकशुदा या दिव्यांग। इस प्रकार के प्रत्याशियों को भी इस परिचय सम्मेलन में रजिस्ट्रेशन हेतु आग्रह किया गया है तथा उनके लिए भी एक विशेष परिचय सत्र का आयोजन इस कार्यक्रम के माध्यम से जाएगा। आयोजन को लेकर समाज के द्वारा इस तरह की जानकारी मीडिया को दी गई है। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, सभी समाजों में वैवाहिक संबंधों में बड़ी समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि इसमें एक जो कम्युनिकेट करने की भूमिका निभाने वाले जो लोग थे वो अब नहीं बन पा रहे हैं। इसी तारतम्य में माहिर समाज ने यह प्रयास किया है कि हम समाज के बैनर तले इस आयोजन को कर रहे हैं और जो भी परिवारजन सहयोग चाहेंगे, माहेश्वर समाज के जो वरिष्ठ जन है, आदरणीय लोग हैं, वो इस पे अपने कम्युनिकेशन की भूमिका निभाएंगे और उनको मार्गदर्शित करेंगे, साथ ही उस रिश्ते को कंप्लीट करने में उनको पूरा सहयोग करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रादेशिक महेश्वरी सभा और दुर्ग जिला महेश्वरी पंचायत के आतिथ्य में यह जीवन साथी परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। हमारी जो है 500 से लेकर 700 लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का टारगेट है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग आए, हम पूरा हिंदुस्तान के मतलब भारत से सभी जगहों से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसमें करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश माहेश्वरी सभा पूरे छत्तीसगढ़ की एक संस्था है, ये सामाजिक संस्था है। इसके द्वारा परिचय सम्मेलन का आयोजन दिनांक 1-2 जून के दुर्ग में किया जा रहा है।
विगत वर्षों में भी हमने ये आयोजन किया था। समाज की समस्या को, जो विवाह संबंधी समस्या है, जो बढ़ती उम्र हो रही है और विवाह नहीं हो पा रहे हैं कई लोगों को, उस समस्या को निराकरण करने के लिए, उसमें कुछ सहयोग करने के लिए समाज अपनी तरफ से ये एक प्लेटफॉर्म देता है, जिसमें लड़के लड़कियां बायोडाटा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके यहाँ प्रत्यक्ष रूप से आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद विवाह संबंध एक दूसरे को देखने के बाद संबंध करने का प्रयास करते हैं। हमारे जो वरिष्ठ जन हैं समन्वयक की भूमिका निभाते हैं और संबंध कराने में वो आवश्यक कदम उठाते हैं। हमारे यहाँ नई पहल, पहले के दिनों में बायोडाटा का जो संग्रह वो फिजिकल रूप में होता था और फिर वो संग्रह करके हम बुक छापते समय कई गलतियाँ होती थी। इस बार हम एक ऐप बनवाए हैं और ऐप बनवा के ऑनलाइन बायोडाटा संग्रह कर रहे हैं। उस जैसा प्रत्याशी जिस तरीके का डाटा उसमें भर रहा है, जो डाटा भर रहा है वही सेम टू सेम हम बुक में डाटे को ट्रांसफ़र करेंगे और उसे पूरे बुक के रूप में सभी प्रत्याशियों को और उनके अभिभावकों को देंगे। और यहाँ पे हम उनके रुकने की व्यवस्था दुर्ग में किए हैं। जो जो लोग बाहर से आ रहे हैं, पूरे देश भर में कर रहे हैं, पर फिर भी हमको विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये 4-5 स्टेट जो नेबरिंग स्टेट हैं वहाँ से प्रत्याशियों के आने की संभावना है। उनके रुकने की, आवागमन की, खाने पीने की सभी व्यवस्था हम छत्तीसगढ़ प्रदेश माहेश्वरी सभा के माहेश्वरी पंचायत दुर्ग के आतिथ्य में कर रहे हैं और इसकी पूरी तैयारियां हमारी हो रही है। विभिन्न समितियों का गठन हो रहा है और उन समितियां अलग अलग कार्य कर रही हैं। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। राजधानी रायपुर के एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा तेलीबांधा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने आईपीएल क्रिकेट मैच के दौरान सट्टा संचालित करने वाले दो अंतर राज्य सहित 4 सटोरियों को दबोचा है। पकड़े गए आरोपी तेलीबांधा थाना क्षेत्र अंतर्गत वीआईपी रोड स्थित गोल्डन स्काई ग्राउंड एम्पेरिया के पास गली में सेटअप तैयार कर आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा का संचालन कर रहे थे। प्रकरण में संलिप्त आरोपी निखिल धामेजा मध्य प्रदेश एवं मनीष दौलतानी महाराष्ट्र के निवासी हैं। सटोरियों के कब्जे से 2 नग लैपटॉप, 14 नग मोबाइल फोन एवं करोड़ों रुपए के सट्टा का हिसाब किया गया है। जब्त मशरूका की कुल कीमत लगभग 3,50,000 रुपए बताई गई है। मामले की जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राइम संदीप मित्तल ने इस प्रकार से दी। अधिकारियों के आदेश पर लगातार एसएसओ की टीम कार्रवाई कर रही है, जिसमें निजात अभियान के तहत नारकोटिक्स चाकूबाजों के ऊपर में नियंत्रण किया जा रहा है। बाइक चोरों के बारे में पूरा डोजियर तैयार किया जा रहा है और इसी क्रम में आईपीएल के दौरान सट्टा खिलाने वाले लोगों पर लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और कार्रवाई के इसी क्रम में कल एसएसयू और तेलीबांधा पुलिस को ये सूचना मिली कि गोल्डन स्काई ग्राउंड एम्पेरिया के पास में कुछ लोग सट्टा खिलाने का कार्य कर रहे हैं। कि सूचना पर एसएसयू की टीम ने वहां पर रेड कार्रवाई की, जिसमें 2 लैपटॉप सीज किए गए हैं, साथ में 12 मोबाइल जिनकी लगभग कीमत 3.5 लाख रुपये है। और इन दोनों लैपटॉप में करीबन 3.5 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन का इसमें हिसाब है। इसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 मूलतः सिवनी के रहने वाले हैं और रायपुर में वर्तमान में रह रहे थे। और इनके ऊपर में मुंबई में कल्याण थाने में पहले भी मामला पंजीबद्ध हुआ है। एक व्यक्ति इसमें नागपुर महाराष्ट्र का रहने वाला है और एक लोकल व्यक्ति इसमें शामिल है। दहेज से प्रताड़ित विवाहिता द्वारा सताए जाने के नाम पर परेशान होकर फांसी पर लटक कर आत्महत्या किए जाने के मामले में अब दुर्ग पुलिस ने ससुराल पक्ष को दोषी मानकर अपराध पंजीबद्ध किया है। विवाह के कुछ दिनों बाद ही पति एवं ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा दहेज के लिए सताने से परेशान होकर फांसी पर लटक कर जान देने वाले मामले में मोहन नगर पुलिस ने मृतका के पति एवं ससुराल वालों के खिलाफ धारा 304B के तहत अपराध दर्ज किया है। मामले के अनुसार शंकर नगर निवासी आरोपी चैतराम साहू का विवाह रीना साहू के साथ 18 फरवरी 2022 को हुआ था। विवाह के बाद से ही उसका पति एवं पति के रिश्तेदार दहेज लाने के नाम पर रीना साहू को प्रताड़ित किया करते थे। मारपीट से परेशान होकर विवाह के लगभग 4 माह के भीतर ही रीना साहू ने 16 जून 2022 को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। इसके बाद मोहन नगर पुलिस ने मामले को जांच में लिया था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने मृतका के पति चैतराम साहू एवं ससुराल वालों को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ धारा 408B के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। आगामी 7 मई को दुर्ग जिले में लोकसभा के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, जिसे लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है। 7 मई 2024 को दुर्ग जिले में 2024 का लोकसभा मतदान संपन्न होने जा रहा है, जिसे लेकर सभी प्रशासनिक महकमा अपनी अपनी तैयारियों में जुट गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में दुर्ग जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए मुस्तैद नजर आ रहा है। शुक्रवार को देर शाम दुर्ग जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं अन्य प्रशासनिक महकमों के संयुक्त तत्वाधान में भिलाई शहर में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च उन असामाजिक तत्वों के लिए चेतावनी है, जो जाने अनजाने में ऐसे चुनाव के समय में असामाजिक गतिविधियों को अंजाम देकर शहर व जिले की शांति भंग करना चाहते हैं। दुर्ग रेंज के आईजी ने ऐसे असामाजिक तत्वों को चेतावनी भी दी है कि वह ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को उन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने को मजबूर होना पड़े। उधर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा किए गए फ्लैग मार्च से असामाजिक तत्वों, गुंडे, बदमाशों में खौफ की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल, जैसा ज्ञात है कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र आज यहाँ जिला पुलिस और प्रशासन द्वारा एक यूनाइटेड फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, जिसमें जिला बल, BSF, CF इसके सभी अधिकारी कर्मचारीगण हैं और साथ में हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण हैं, कमिश्नर साहब हैं, हम हैं, कलेक्टर मैडम हैं, SP साहब हैं और जिले के वरिष्ठ प्रशासन के अधिकारी, ADM, एडिशनल SPs, CSPs, SDM सभी लोग उपस्थित हैं। तो हमारा ये उद्देश्य है कि इससे जनता में एक सुरक्षा का वातावरण का एक मैसेज आएगा और साथ ही जो असामाजिक तत्व हैं उनके मन में एक डर का माहौल पैदा हो, ताकि जो लोकसभा चुनाव शांतिपूर्वक कराने का हमारा उद्देश्य है वो पूरा हो। बिल्कुल, दुर्ग पुलिस, दुर्ग रेंज हमारी पुलिस का ये मैसेज है कि असामाजिक तत्व अपनी गतिविधियाँ जो हैं उनको कंट्रोल करें, नहीं तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। शुक्रवार की देर शाम हुए फ्लैग मार्च में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ जिला कलेक्टर, BSF और CISF के अधिकारी कर्मचारीगण, दुर्ग जिले के विभिन्न स्थानों के थाना प्रभारी सहित पूरा स्टाफ शामिल रहा और शहर सहित जिले को यह बता दिया कि 7 मई को होने वाला मतदान पूर्णतः शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराया जाएगा। ACN न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप सभी इजाजत, आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ। नमस्कार।